जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। 18 सितंबर 1987 मतलब 18/9/1987 रात को 22:10 भोपाल में जन्म हुआ है। कर्क राशि आती है जिसका स्वामी चंद्र होता है। चंद्रमा अपने स्वयं की राशि में बैठा हुआ है इसलिए अच्छा फल प्रदान करेगा। तो चंद्रमा के लिए कोई भी विशेष उपचार करने की आवश्यकता नहीं है। वृष लग्न की पत्रिका है जिसका स्वामी शुक्र है और लग्न का मालिक शुक्र होने की वजह से इस पत्रिका में शुक्र अस्त हो गया है और नीच राशि का भी बैठ गया है। यानी ये कह सकते हैं कि इस बालक के जब जन्म हुआ था उस समय पे शुक्र ग्रह का प्रभाव बहुत ज्यादा था। और ऐसा कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि यदि लग्न यदि स्ट्रांग होता है तो मनुष्य के जीवन में 50% कष्ट तो ऑटोमेटिक कट जाते हैं। लग्न यानी मेन मालिक इस बॉडी का, इस शरीर का, इस आत्मा का मेन मालिक हो गया। अब मालिक ही यदि खराब हो गया, प्रभावित हो गया, बलहीन हो गया तो इसका मतलब यह है कि जीवन में कष्ट ज्यादा प्राप्त होंगे। यानी शुक्र कमजोर, भयंकर कमजोर है और अस्त अवस्था में भी। अस्त अवस्था का मतलब होता है पावरलेस। अब जब इस शरीर का मालिक, इस आत्मा का मालिक ही पावरलेस यानी वृद्ध अवस्था का बैठ गया तो पावरलेस होने को नीच राशि का बैठ गया, इसका मतलब यह है कि इस बालक ने पिछले जन्म में पाप कर्म किए हैं, चरित्रहीनता बहुत ज्यादा की है, स्त्री को परेशान किया है और लंपट योग कह सकते हैं अपन इसको, मतलब कहीं व्यभिचार किया कई स्त्रियों के साथ में, इसकी वजह से कष्ट की प्राप्ति हुई। मतलब स्त्री का श्राप भी लगा हुआ है। अब ये भी कह सकते हैं जब स्त्री का श्राप लग जाता है तो अब पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार एक ज्योतिष शास्त्र में सती माता बोला जाता है जो हर कुल में होती है, चाहे माने या ना माने, परंतु हर कुल में सती माता का स्थान होता है। क्योंकि पिछले जन्म में पुराने समय पे जब मुसलमानों के द्वारा, आताताइयों के द्वारा हमारी बहन बेटियों के ऊपर, रूह आबरू के ऊपर जब हाथ डाला जाता था तो वो अपने आप को सती कर लेती थी। सती का मतलब अग्नि में कूद के जान दे देती थी, या फिर पति मर गया तो उसके साथ में जो उसकी धर्मपत्नी हुआ करती थी वह पुराने समय में पति के साथ जल जाया करती थी और फिर उसकी पूजा होती थी मां समान मान करके। तो सती माता का भी श्राप लगा हुआ है, शुक्र अस्त भी है और नीच राशि का होने की वजह से स्त्री दोष सबसे बड़ा दोष है। यानी जिंदगी में स्त्री ही सबसे ज्यादा नुकसान प्रदान करेगी। अब ये कह सकते हैं कि स्त्री सुख की संभावना भी यहाँ पे कम बन रही है। यानी कि अब इसका उपाय यह है कि एक तो देवी माँ की पूजा करें, वो भी दुर्गे महारानी की पूजा करना है, रोजाना सुबह शाम देवी जी के मंदिर जाना है, दर्शन करना है, महीने में एक बार देवी जी को सभी श्रृंगार यानी चुनरी फल फूल माला प्रसाद चढ़ाना है और शुक्रवार का व्रत उपवास रखना है। और जैसा कि मैं नियम है ज्योतिष शास्त्र का कि यदि स्त्री दोष होता है तो मनुष्य को अपने उसके जीवन में कई स्त्रियां टकराती जो पिछले जन्म में भी टकराई होगी, चरित्रहीन स्त्रियां आती है और उनसे बचना होगा। कन्या पूजन अवश्य करना होगा, नवरात्रि मनाना होगी, 9 दिन नवरात्रि में व्रत उपवास रखना होगा, तब सती माता का श्राप कम होता है। ये उसका अल्टरनेट उपाय है। प्लस घर में यदि कोई भी मेहमान वगैरह आते हैं तो शुक्रवार के दिन विशेष तौर से खीर बना करके उन मेहमानों को एक एक कटोरी खीर खिलाना होती है। और हो सके तो महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार जब भी समय मिले शुक्र के नाम से खीर से हवन करना है। शुक्र दोष लगा हुआ है यानी कि कष्ट की प्राप्ति तो होना ही होना है। तीसरा हम चलते हैं, पुष्य नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हुआ है तो पुष्य नक्षत्र के तृतीय चरण का मालिक होता है शनि। और कई कई जगह ऐसा देखा गया है कि नक्षत्र भी यदि खराब हो जाए तो वो खराब फल देने लगता है। तो चूंकि यहां पर शनि भी खराब अवस्था में बैठा हुआ है, शनि भी अच्छा नहीं है क्योंकि शनि सप्तम भाव में बैठा हुआ है
सप्तम भाव का मतलब वृश्चिक राशि में यहाँ पे बैठा हुआ है, क्योंकि वृष लग्न की पत्रिका है। तो शनि सप्तम भाव में बैठ जाता है तो वह मनुष्य को कष्ट देता है, परेशानी प्रदान करता है। और काल सब दोष भी है पत्रिका के अनुसार, तो काल सब दोष जिस मनुष्य को होता है उसको अपने कुल के कुल देवता का श्राप होता है, तो काल सब दोष भी है। साथ ही साथ में पितृ दोष की उत्पत्ति भी है, यानी अब ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति होने में बड़ी समस्या आ सकती है, या हो सकता है पूजा पाठ करें और पितृ प्रसन्न हो जाए तो पुत्र रत्न प्राप्ति होगी, अन्यथा लड़कियां ही लड़कियां होने की संभावनाएं ज्यादा बनती है, क्योंकि यहां पर श्रापित कुंडलियां बताई जा रही है स्त्री से और कुल देवता से। तो शनि नक्षत्र का स्वामी है और नक्षत्र भी यदि खराब हो जाता है तो मनुष्य के जीवन में कष्ट की प्राप्ति होती है। और शनि भी जो है पति पत्नी वाले स्थान पर बैठा हुआ है, सप्तम भाव का मतलब होता है पति पत्नी वाला स्थान। तो शनि पति पत्नी वाले स्थान पर बैठ जाता है तो वो ये कहता है कि भैया मैं सजा दूंगा। ऐसा भी कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि शनि की दृष्टि भयंकर खराब होती है। अब शनि जो है तीन जगह दृष्टि डालता है, एक तो लग्न पर डालता है तो लग्न को और कमजोर कर दिया, मतलब ऐसे ही लग्न कमजोर है और शनि की दृष्टि होने से और कमजोर हो गया। तीसरी बात है वह शनि जो है धर्म वाले स्थान पर भी अपनी निगाह डाल रहा है, तो यहां धर्म कर्म कम करने की संभावना है, तो धर्म कर्म यहां पे बढ़ाना पड़ेगा। और अगली दृष्टि जो है दसवें भाव मतलब दसवें नंबर की जो दृष्टि पड़ती है वह जो है सुख वाले स्थान पे पड़ रही है जहां पर मंगल बैठा हुआ है, यानी मंगल शनि की दृष्टि एक दूसरे की होने से यहां पर विध्वंस योग बन रहा है। विध्वंस योग का मतलब हो गया मंगल हो गया आग, वो बैठा हुआ है और वो अग्नि वाली राशि में बैठा हुआ है सिंह राशि में, और शनि की दृष्टि पड़ रही है उस मंगल के ऊपर, और मंगल हो गया तेल, पेट्रोल कह लीजिए या तेल कह लीजिए। अब जब तेल में अग्नि दोनों मिलते हैं तो ब्लास्ट होता है जिसको विस्फोट योग बोला जाता है, यानी कि यहां पे सुख कम कर रहा है शनि। तो शनि की पूजा भी यहां पे करना होगी, शनिवार का व्रत उपवास करना होगा और शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शराब का सेवन नहीं करना, मांस मदिरे का सेवन नहीं करना, पराई स्त्री का सेवन नहीं करना, किसी से झूठ नहीं बोलना इत्यादि इस प्रकार के कर्म ये प्रतिबंध करना होंगे तो यहां पे कुछ हद तक शनि महाराज प्रसन्न हो सकते हैं, अन्यथा शनि जज साहब हैं वो कष्ट की प्राप्ति अवश्य देंगे। अब कालसर्प योग की व्याख्या करें हम तो कालसर्प योग का मतलब होता है एक सांप होता है, उस सांप का मुंह होता है जिसको राहु कहा जाता है, और एक तरफ सांप की पूंछ होती है जिसको केतु कहा जाता है, और उस सांप की पीठ के ऊपर बीचों बीच में शनि बैठता है, तो वो राहु केतु के माध्यम से शनि कष्ट प्रदान करता है। अब चूंकि यहां पर राहु जो है आय वाले स्थान पे बैठा हुआ है तो राहु खाने का काम करता है, तो ऐसा कहा जाता है कि यहां पे वो आय में कमी करेगा, राहु खाने का काम करता है क्योंकि सांप का मुंह है वो डस लेता है तो व्यक्ति खत्म हो जाता है, यानी खाने का काम करता है। और केतु जो है पूंछ के माध्यम से तड़पाने का काम करता है, तो यहां पर वो बच्चे के लिए तड़पाने का काम करेगा, यानी बहुत प्रयास करने पर लड़के की उत्पत्ति हो सकती है, क्योंकि राहु सूर्य आमने सामने बैठने की वजह से पितृदोष भी उत्पन्न हो रहा है, यानी पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार पूर्वजों का भी श्राप है। अब ये कह सकता हूं मैं अपूर्वजों का श्राप के लिए अमावस्या की पूजा करना पड़ती है, अमावस्या दोष की पूजा करना पड़ती है, पितृदोष की पूजा करना पड़ती है। सूर्य के साथ बुध भी बैठा हुआ है, शुक्र भी बैठा हुआ है और केतु भी बैठा हुआ है, यानी सूर्य ग्रहण योग यहां पर लगाया जा रहा है एक तरीके से। अब सूर्य ग्रहण योग जो है ये पंचम भाव जो होता है एक तरीके से पुत्र का भाव होता है, विद्या का भाव होता है और कुछ सुख का भाव भी होता है, तो यहां पर ये सुख में कमी कर रहा है एक तरीके से। तो पूरी पत्रिका का रिजल्ट जो निकल करके आ रहा है कि पत्रिका में कष्टमय जीवन बहुत ज्यादा है, सुख की प्राप्ति कम है, धन का नुकसान होने की संभावना ज्यादा बनती है। अब एक और चीज इसमें जो बच गई है वो है गुरु। गुरु बारहवें भाव में बैठा हुआ है,
मेष राशि का, तो गुरु बारहवें भाव में बैठ जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि पिछले जन्म में इस मनुष्य ने अपने पिता कह लीजिए, माता कह लीजिए, गुरु कह लीजिए, इनका अपमान करके आया हुआ, इसलिए गुरु बारहवें भाव में बैठता है। या फिर कहीं पर मंदिर बन रहा था तो मंदिर को बनने नहीं दिया, या फिर कहीं पर किसी देवी देवता का कोई चबूतरा होगा, मंदिर होगा, उसको बनने में या बना हुआ था तो उसको तोड़ करके आया हुआ है। या फिर ये भी हो सकता है कि गुरु बारहवें भाव का मतलब होता है मेष राशि का कि हरे भरे वृक्ष यानी पीपल का वृक्ष उसको काट करके आया हुआ है, उसका भी दोष लगा हुआ है, यानी गुरु अच्छा नहीं है। तो इस जन्म में जो भी साधु संत मंदिर में सेवा करने वाले पंडे पुजारी या फिर कोई भी त्यागी तपस्वी हो उसका मान सम्मान करना, गुरुवार के दिन उनको पीले वस्त्र दान करना, महीने में एक बार तो करना ही करना होगा, और गुरु पितृ का भी प्रतीक होता है तो पितरों की भी अनादरण यहाँ पे हुआ है। मतलब एक तरीके से पत्रिका में देखने पर ये पता लग रहा है कि केवल मंगल और चंद्रमा इन दो ग्रह की वजह से इनकी जिंदगी अच्छे से चलेगी, बाकी सभी ग्रह कहीं न कहीं पे परेशानी उत्पन्न करेंगे। वृष लग्न में चंद्रमा तीसरे भाव में होने से अशुभ फलकारी बताता है, परंतु चंद्रमा कर्क राशि का स्वग्रही होने से अच्छा फल देगा। मनुष्य महत्वाकांक्षी है, पराक्रमी है, धैर्यवान है, उदार हृदय वाला है, भाई बहनों से सुखी और बहुत मित्र वाला होता है, और मनुष्य जाति समाज सरकार द्वारा सम्मानित भी होता है। तृतीयस्थ चंद्रमा की दृष्टि भाग्य भवन यानी मकर राशि पर हो रही है, इसलिए भाग्योदय होगा, जीवन में उन्नति का मार्ग निष्कंटक होगा। निष्कंटक का मतलब होता है कांटे कम मिलेंगे, चंद्रमा अच्छा है एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो चंद्रमा की जब भी दशा महादशा अंतरदशा आएगी उस समय पे इस मनुष्य की महत्वाकांक्षा जो है वह पूरी होगी। वृष लग्न में सूर्य पंचम स्थान में पूर्व जन्म में बच्चे के लिए तरसते थे, तड़पते थे, और हो सकता है कि गर्भ में बच्चे की हत्या भी करके आए हैं। वृष लग्न में सूर्य सुखेश होकर राजयोग कारक है, परंतु लग्न शुक्र से यह शत्रु भाव रखता है। इस भाव में सूर्य अपनी राशि में द्वितीय स्थान में है तो ऐसा मनुष्य दार्शनिक अवश्य होगा, श्रेष्ठ वक्ता हो सकता है, और समय आने पर अध्यात्म व शास्त्र का जानकार भी बन सकता है। औलाद के पैदा होने के एक दिन से जातक की तरक्की होगी, यानी जब तक कोई बच्चा उत्पन्न नहीं होगा, लड़का विशेष तौर से, तब तक भाग्य नहीं खुलेगा। यदि मनुष्य अपने मकान में पूर्वी दीवार में कोई रसोई बनाए तो सूर्य तत्काल उत्तम फल देने लग जाएगा। अब हम आते हैं सूर्य के साथ यदि बुध बैठा हुआ हो तो यहां पर बुध उच्च का हो गया है, जो सभी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य देगा, संसाधनों की प्राप्ति देगा, और बुध आगे बढ़ने में सहायक का काम भी करेगा, क्योंकि यहां पर बुध उच्च राशि का बैठा हुआ है, यानी बुध अच्छा बैठा हुआ है, और बुध को ज्योतिष शास्त्र में युवराज कहा जाता है। और यदि किसी भी मनुष्य की पत्रिका में बुध यदि अच्छा बैठ जाए तो युवराज होता है, तो उसके मन में युवराज यानी कि बिल्कुल जवान व्यक्ति की पावर उस मनुष्य के अंदर होती है। अब यदि सूर्य के साथ में यहां पर शुक्र बैठा हुआ है तो सूर्य के साथ शुक्र की युक्ति शुक्र नीच का है, इसलिए संतान सुख में शुक्र बाधा उत्पन्न करेगा। संतान की विद्या में यदि हो गया तो संतान की विद्या में भी रुकावटें उत्पन्न होने की संभावना है, यानी पिछले जन्म के कर्म के अनुसार कहीं न कहीं पे बच्चों को
कष्ट देकर के आए हैं, या बच्चों की गर्भ में हत्या करके आए हैं, या फिर दूसरे बच्चे, कोई और अन्य बच्चे हो सकते हैं, उनको परेशान किया है, तड़पाया है या कष्ट प्रदान किया है। वृष लग्न की पत्रिका में मंगल जो है सप्तमेश और व्ययेश है, ये दोनों घर अच्छे नहीं माने जाते। मंगल यहां पर द्वितीय मार्केश होने की वजह से अशुभ फल दाता है। चतुर्थ भाव में मंगल सिंह राशि का बैठा हुआ है जो दिग्बली है। दिग्बली का मतलब होता है शक्तिशाली बैठा हुआ है, जो इस बालक की कुंडली को मांगलिक कुंडली बना रहा है। यानी कुंडली जो है यह मांगलिक कुंडली है, और मांगलिक कुंडली वाले मनुष्य को हर वर्ष उज्जैन में मंगलनाथ या अंगारेश्वर महादेव का मंदिर है, जो विश्व का एकमात्र मंदिर है, वहां पे जाकर के हर वर्ष पूजा कराना चाहिए तो मंगल दोष कम होता है। मनुष्य को धीर वीर व साहसी होने के साथ साथ उत्तम भूमि का सुख मिलेगा, उत्तम भवन का सुख मिलेगा और स्वामी भी होगा। मंगल की दृष्टि तीन जगह पड़ती है, तो यह मंगल व्यवसाय में उन्नति प्रदान करेगा, और मंगल की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा जब भी आएगी उसमें नई भूमि खरीदने का मौका मिलेगा, जमीन जायदाद और ज्यादा बढ़ने की संभावना होगी। इस प्रकार से कह सकते हैं कि पिछले जन्म में मंगल के द्वारा जो कर्म किए गए, मंगल से संबंधित, मतलब मित्रों के साथ धोखा नहीं किया पिछले जन्म में, भाइयों के साथ धोखा नहीं किया पिछले जन्म में, और मनुष्यों की सहायता की है, इसलिए इस जन्म में मंगल अच्छा बैठा हुआ है और मंगल अच्छा फल प्रदान करेगा। वृष लग्न की पत्रिका में बुध पंचम भाव में उच्च का बैठा हुआ है, और उच्च का जिसका भी बुध बैठ जाता है वो मनुष्य बुद्धिमान होता है। यदि वह चाहे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षा में भी पास हो सकता है, और उत्तम सलाहकार व्यक्ति होता है, उसकी बुद्धि बड़ी तेज होती है, कंसल्टेंसी के मामले में अच्छी दिमाग होता है उसके पास में, और बुध अच्छा होने की वजह से बुध वाला व्यक्ति हमेशा व्यापार करता है, और व्यापार में व्यापार बिजनेस करता है और बहुत धन भी कमाता है। और ऐसा कहा जाता है कि बुध यदि पंचम स्थान में बैठ जाता है तो पिछले जन्म में मनुष्य ने पूजा पाठ भी की है, ऐसा कहा जाता है। और बुध की दशा जब भी आएगी उस दशा में धनवान होगा, धन की वृद्धि होगी, प्रज्ञावान होगा। प्रज्ञा का मतलब होता है मतलब ज्ञान में वृद्धि करने वाला। और बुध को यदि और बढ़ाना हो तो गले में या हाथ में चांदी की चेन अवश्य धारण करें, जिससे बुध में और वृद्धि होगी, तो जो धन है, कमाई है, व्यापार का साधन है, लाभ है, उसमें और वृद्धि होने की संभावनाएं बनती है। पंचम भाव में बुध के साथ में केतु बैठा हुआ है, और केतु यदि बुध के साथ में बैठ जाता है तो यहां पे पुत्र उत्पन्न होने की संभावना को वो बिल्कुल खत्म कर देता है। भले अब यहां पे मैं कह सकता हूं कि पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी ही नहीं, क्योंकि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार पुत्र की हत्या करके आए हैं, यानी गर्भ में बच्चों को मारा है, ये कन्फर्म है। और दत्तक पुत्र गोद लेने की संभावना ज्यादा बनती है, मतलब किसी लड़के को एडॉप्शन भी किया जा सकता है, ऐसा बुध केतु बोल रहा है। और सलाह जो होती है ये सलाह अच्छी होगी, ऐसा यहां पे भविष्यवाणी की जा सकती है। वृष लग्न की पत्रिका में गुरु एक तो लाभेश यानी ग्यारहवें भाव का मालिक है, और एक अष्टमेश यानी मृत्यु तुल्य कष्ट वाले भाग का मालिक है। तो गुरु यहां पर इस पत्रिका में मार्केश का फल देगा। मार्केश का मतलब होता है मृत्यु तुल्य कष्ट, या मृत्यु भी हो सकती है या मृत्यु
तड़प तड़प करके होती है, या मृत्यु के लिए व्यक्ति मृत्यु मांगेगा पर भगवान मृत्यु भी नहीं देता और उसको कष्ट प्रदान करता है, उसको मार्केश योग बोलते हैं। तो जब भी गुरु की दशा, महादशा, अंतरदशा आएगी, उस समय पे महामृत्युंजय के 125,000 जप का विधि विधान से अनुष्ठान करना है। अब कोई भी अनुष्ठान करवाएं तो उसका नियम होता है कि जो भी पंडित जी बुलाए जाते हैं अनुष्ठान करने के लिए, एक तो वह पंडित जी शराब पीने वाले नहीं होना चाहिए, जर्दा चूने खाने वाले नहीं होना चाहिए, और 3 समय पे गायत्री मंत्र जप करने वाले होना चाहिए, मतलब जिसको हम बोलते हैं त्रिसंध्या करने वाले। और जब भी पंडित जी को, ऐसे पंडित जी को रखा जाता है अनुष्ठान करने के लिए, तो उन्हें अपने सामने रखा जाता है, अपने सामने रखने का मतलब अपने घर पर रखना चाहिए, ताकि वह अपनी स्त्री के साथ सहवास नहीं कर सके, किसी दूसरों के घर पे नहीं जा सके, किसी मौत मरण में नहीं जा सके, किसी की मैयत में नहीं जा सके, क्योंकि वहां जाने से उनका संकल्प खराब होता है। तो अनुष्ठान जो भी कराए विधि विधान से अनुष्ठान करवाना है, तो महामृत्युंजय का अनुष्ठान सफल होता है, अन्यथा सफल नहीं होता है। अब गुरु का लाभ भंग योग बता रहा है, मतलब गुरु जो है व्यवसाय करते हैं तो उसमें लाभों में कमी करेगा गुरु दोष की वजह से। और यदि ऐसा मनुष्य तीर्थों में जाकर के पूजा पाठ करें, घर में वेद शास्त्र का पाठ कराएं, या घर में कर्मकांड का पाठ कराएं, और कोई ऐसा कर्म करें जिससे परोपकार शब्द जुड़ जाता हो, यानी जैसे उनके घर के सामने या दुकान के सामने कोई पानी की प्याऊ लगा दो तो उसे परोपकार कहते हैं, ठंड के दिन में कंबल का वितरण कर दें तो उसे भी परोपकार कहा जाता है। तो यदि तीर्थ यात्रा पे जाकर के वहां के जो नदी होती है, तालाब होते हैं, कुंड होते हैं, उनमें स्नान करने से पिछले जन्म के पाप कर्म कटेंगे, गुरु दोष कम होगा, और गुरु जब भी आएगा, गुरु की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, उसमें फालतू के खर्चे होंगे। अब फालतू के खर्चे का मतलब हो गया कि या तो पुण्य में खर्च करो या फालतू में खर्च करो, यानी बीमारी दुखी में भी खर्च होने की संभावनाएं ज्यादा बन सकती हैं। और उस समय जब खर्च ज्यादा होगा तो पैसे की चिंता भी होने लगेगी, गुरु चिंता भी देता है। अब गुरु की दृष्टि जो होती है वह भी 3 जगह दृष्टि डालता है, और ऐसा कहा जाता है कि गुरु जब दृष्टि डालता है तो ऋण, रोग व शत्रु उनका नाश करने में समर्थ हो जाएगा, सुखी भी होने की संभावना बनती है, और गुरु की वजह से पिछले जन्म के गुरु के प्रति, अपने पिता के प्रति, दादा के प्रति, मंदिर के प्रति, किसी विद्वान ब्राह्मण के प्रति विद्वेष की भावना होने की वजह से, मतलब एक तरीके से गुरु का श्राप होने की वजह से, यहां पर मन में बार बार माया को त्याग दूं ऐसा मन में आएगा, मतलब दौलत का भंडारी तो होगा, धन की कमी नहीं होगी, परंतु उस धन को त्यागने की भावना बार बार मन में आएगी, ये गुरु दोष की वजह से उत्पन्न होगा। तो बृहस्पति की दशा जब भी आएगी उसमें बेफालतू के खर्चे होने की संभावना ज्यादा है, तो वो खर्चे बेफालतू के न करके गुरु की दशा, महादशा, अंतरदशा में अनुष्ठान करवाएं ब्राह्मणों के माध्यम से, तो वह पुण्य के काम होगा, गुरु दोष उससे कम होगा, जिससे कहीं न कहीं पर सुख की प्राप्ति होने की संभावना ज्यादा बनती है। अन्यथा गुरु पैसा होते हुए भी, धन दौलत होते हुए भी मन में एक नीरस जीवन के लीजिए, एकांत में रहने की प्रवृत्ति को उत्पन्न करेगा, जिसको हम संन्यास भाव कह सकते हैं। 12वां भाव मोक्ष का भाव होता है। तो इस पत्रिका के अनुसार गुरु 12वें भाव में बैठा हुआ है मेष राशि का, इसका मतलब यहां पर यह है कि यह मनुष्य एक समय आने पर पूजा पाठ, जप तप, अनुष्ठान, तीर्थ यात्रा ये सब करेगा, और मरने के बाद में जो है मोक्ष की प्राप्ति होने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। यदि धर्म कर्म की लाइन में थोड़ा बहुत भी निकल गए
तो ये मान करके चलें कि मोक्ष मिल सकता है। मोक्ष का मतलब होता है अगला जन्म कई वर्षों के बाद होता है, मतलब इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। बारवा भाव ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, ये कह लीजिए पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, जो कर्मों की खेती में हम बीज बोकर के आए थे, उन बीज से एक वृक्ष बना और वृक्ष पर से जो फल प्राप्त हो रहे हैं उसको बारवा भाव कहते हैं। तो यहां पे गुरु महाराज बैठे हुए हैं उस फल वाले, उस फल के ऊपर, और गुरु अच्छा नहीं बैठा बारहवें भाव में। तो इस जीवन में कष्ट की प्राप्ति ज्यादा होगी बजाय सुख के, ये इस जीवन का इनको फल खाने को मिलेगा। रस वाला फल तो है, गुरु है तो रस वाला फल है, परंतु उस फल में कुछ कीड़े लगे हुए हैं और मजबूरी में वो रस वाला फल कीड़े लगा हुआ इनको खाना पड़ेगा। यानी जिंदगी संघर्ष में कष्ट भोगते हुए, किसी न किसी प्रकार का दुख भोगते हुए ये जिंदगी इनको गुजारना पड़ेगी। परंतु उपाय है, अभी से उपाय करें यदि उस वृक्ष में कर्मों की खेती में, कि जो फल आने वाला है जो खाएंगे हम उसमें कीड़े न लगे, इसके लिए दवाई छिड़कना पड़ती है, वृक्ष की देखभाल करना पड़ती है। तो उसके लिए इस जन्म के कर्म के अनुसार यदि पूजा पाठ नामक दवाई, अनुष्ठान नामक दवाई, दान धर्म नामक दवाई यदि छिड़कते रहें अपनी जिंदगी में, तो जो फल मिलेगा वो फल अच्छा प्राप्त होने की संभावना है। वृष लग्न की पत्रिका में शुक्र लग्नेश है और षष्ठेश है, षष्ठेश होने से एक दुख स्थान का स्वामी है, यह अशुभ फलकारी है। परंतु यहां ज्योतिष शास्त्र ये भी कहता है कि लग्नेश कभी भी अशुभ फल नहीं देता, और चूंकि शुक्र अपने मित्र ग्रह बुध यानी कन्या राशि में बैठा हुआ है नीच का, तो मनुष्य जो है सुंदर स्त्री व सुंदर संतति का लाभ मिलता है और चालाक होता है, व्यभिचारी भी होता है, चरित्रहीन भी होता है। जातक यानी मनुष्य जो है दूसरों की संतान पर निगाह रखता है, नर संतान विलंब से होती है, एक दो गर्भपात होने की संभावना भी बनती है, और इसका कारण यह है कि पूर्व जन्म में अपने प्रेमिका को धोखा देकर के आया है और इस जन्म में भी उसको प्रेम पूर्ण प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि पिछले जन्म में जो लड़की को धोखा देकर के आए हो वही लड़की इस जन्म में स्त्री बन के यानी पत्नी बनकर के मिल सकती है, और इस वजह से वही बदला लेने के लिए पूर्ण रूप से प्रेम नहीं देगी। ये शुक्र ग्रह का फल बताया जा रहा है। यदि शुभ पुरुष ग्रह का प्रभाव शुक्र पर न हो तो मनुष्य के वीर्य में क्रोमोसोम्स की कमी भी होने की संभावना बनती है, जिसकी वजह से कन्या संतान अधिक उत्पन्न होगी। तो यदि पुत्र रत्न की प्राप्ति इस मनुष्य को करना हो तो पहले आयुर्वेदिक इलाज कराए, होम्योपैथिक इलाज कराए या फिर यूनानी इलाज कराए, सभी प्रकार का इलाज कराए, पूजा पाठ भी करें, और हो सकता है इलाज कराने से क्रोमोसोम्स में वृद्धि हो जाए, पूजा पाठ से ग्रह नक्षत्र शांत हो जाए तो लड़का भी उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है कि नर संतान यानी बच्चा लड़का विशेष तौर से देरी से उत्पन्न होने की संभावना है। अब देरी का मतलब कई बार 10 साल 12 साल 15 साल भी बाद भी बच्चा उत्पन्न हो सकता है। शुक्र की दशा में जो है धन मिलेगा, शुक्र में बुध की दशा में भी धन की प्राप्ति होने की संभावना यहां पे ज्यादा बताई जा रही है।
और कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं है। हाँ, शुक्र और सूर्य एक साथ बैठने की वजह से जो भी पुत्र उत्पन्न यदि होता है तो वह पुत्र बहुत संस्कारी पुत्र उत्पन्न होगा, ऐसा भी भविष्यवाणी की जा रही है। अब शुक्र के साथ में बुध बैठने से शुक्र की जो नीचता है वह तो खत्म, बुध ने उसको खत्म कर दिया, परंतु प्रथम संतान के बाद में भाग्योदय होगा ऐसा लिखा हुआ है। शुक्र दोष की वजह से अब उसका प्रायश्चित कर्म, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आपने जो भी पिछले जन्म में पाप कर्म किए और उन पाप कर्मों का आपको यदि ज्ञान हो जाए आपके अच्छे पुण्य कर्मों की वजह से, कोई न कोई ऐसा पुण्य कर्म आड़े आ जाता है जो आपको ऐसी जगह पहुंचा देगा जहां पर आपको आपके पिछले जन्म के पाप कर्मों का पता लग जाएगा। अब जब पाप कर्मों का पता लग गया तो उसका प्रायश्चित कर्म भी ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। तो पिछले जन्म में जिस स्त्री के साथ में प्रेम करके धोखा देकर के आए हो उसकी वजह से शुक्र नीच का हो जाता है और शुक्र अस्त भी हो गया, तो अब उसका प्रायश्चित कर्म यह है कि इस जन्म में अपने जीते जी अपने सामने किसी गरीब कन्या, मतलब कोई गरीब घर की हो, काम करने वाली बाई की लड़कियां हो, या कोई झुग्गी में रहने वाले भी हो सकते हैं जिनके पास पैसा नहीं हो भंडारा करने का, लड़की के लिए दान धर्म करने का, विवाह हो रहा है परंतु उनके खाने पीने के वहां पे पैसे नहीं हो, उनको दहेज में देने का पैसा नहीं हो, तो ऐसी गरीब लड़की को विवाह के समय पे अपनों से जितनी सामर्थ हो उतना सामान ले जाकर के देना, घर गृहस्थी का सामान देना, हो सके तो 1000-2000 का सोना चांदी तांबा पीतल ये चार धातु का दान भी देना चाहिए, चाहे 1000-1000 रुपए का दे, 2000-2000 का दे, जो अपनी सामर्थ हो उसके अनुसार, तो भी पिछले जन्म में जो पाप कर्म किया है उसका प्रायश्चित कर्म हो जाता है, परंतु कन्या दान करना अनिवार्य होगा। तो जीवन में हो सकता है इस बालक को ऐसे मौके मिल सकते हैं कि यदि ये किसी गरीब कन्या का विवाह करवा दे, गरीब कन्या के खर्चों को वहन कर ले, उसको दहेज के अंदर जो भी एक स्त्री धन दिया जाता है वह दे दे, तो इसके पिछले जन्म के पाप कर्मों का शुक्र दोष काफी कुछ हद तक कम हो सकता है और उसके बाद लड़के की उत्पत्ति भी हो सकती है। जन्म पत्रिका के अनुसार वृष लग्न में शनि ग्रह भाग्येश यानी भाग्य स्थान पर उसका मालिक बैठा हुआ है और राज्येश है। शनि यहां परम राजयोग कारक है और अति शुभ फल प्रदान करेगा। सप्तम भाव में शनि जो है वृश्चिक राशि का बैठ गया है जो मंगल की शत्रु राशि है, और परंतु चूंकि शनि यहां पर दिग्बली अवस्था में बैठा है, पावरफुल अवस्था में बैठा हुआ है, और जब शनि पावरफुल अवस्था में बैठ जाता है तो यह 100% शुभ फल देता है। शनि जो है इस जन्म में इस बालक को हजारों लाखों रुपए कमा करके देगा, धन की कमी इस बालक के जीवन में नहीं है, अत्यंत धनी होने की संभावना है। और यदि शनि की वजह से और मंगल की वजह से, क्योंकि मंगल भी चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है सिंह राशि का, शनि वृश्चिक राशि का सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो राजनीति में भी यदि उतरते हैं तो सफलता मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। सप्तम भाव का शनि की भी 3 दृष्टियां होती है, तो ये भाग्य को बढ़ाने का काम करेगा, व्यक्तित्व में निखार लाने का काम करेगा, भौतिक सुख में वृद्धि करेगा, और शनि की दशा जब भी आएगी तब भाग्य उदय करेगी। निश्चित तौर से शनि अच्छा बैठा हुआ है, परंतु चूंकि पति पत्नी वाले स्थान पर बैठा है तो ऐसा कहा जाता है कि शनि जहां पर बैठता है वहां के फल में कमी कर देता है, और चूंकि शत्रु राशि में बैठा हुआ है
तो पति पत्नी का जो सुख है, यानी पत्नी का सुख कह लीजिए, यहां पत्नी के सुख में कमी कर रहा है शनि। तो शनि की उतारा, शनि का पूजा पाठ करना पड़ेगा तो ही पारिवारिक सुख मिलने की संभावना है, अन्यथा पारिवारिक सुख मिलने में बहुत परेशानी उत्पन्न होने की संभावना है शनि की वजह से। बाकी हर प्रकार का सुख शनि यहां पे प्रदान करेगा। वृष लग्न की पत्रिका में राहु एकादश स्थान पर बैठा हुआ है, यानी ग्यारहवे भाव में बैठा हुआ है, जहां 12 नंबर लिखा हुआ है। अब ऐसा कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि वृष लग्न में राहु जो है लग्ने शुक्र का मित्र है। अब चूंकि राहु मीन राशि में बैठा हुआ है तो यहां पर राहु राज योग कारक बताया जा रहा है। ऐसा मनुष्य अनेक स्थान से लाभ प्राप्त करेगा, सम्मान भी प्राप्त करेगा, और यदि शास्त्र पढ़ने लगा, हमारे सनातन धर्म के जो वेद होते हैं, पुराण होते हैं, धर्म की किताबें होते हैं, यदि ये पढ़ने लगे तो इंटरेस्ट बहुत आएगा और कर्म शास्त्र का ज्ञाता भी हो जाएगा। पढ़ते पढ़ते इतना ज्ञान हो जाएगा कि कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म बुरा है, कौन सा पाप कर्म है, कौन सा पुण्य कर्म है, इसका महान ज्ञाता वह बन सकता है। व्यक्तित्व राहु की वजह से आकर्षण व्यक्तित्व बना रहा है, और ऐसा व्यक्ति जिसका भी साथ देता है, दिल से साथ देते हैं, यानी पूरा पूरा साथ देते हैं, बीच में धोखा नहीं करते। परंतु इस जन्म कुंडली में आंशिक कालसर्प दोष है, तो आंशिक कालसर्प दोष होने की वजह से राहु जो अच्छा फल दे रहा है उसमें कुछ कमी करता है। तो राहु को जो कमी हो रही है उसको शुभ करने के लिए महीने में एक बार प्रदोष शब्द आता है। प्रदोष का मतलब होता है तेरस का दिन होता है, तेरस चौदस का जिसमें कॉम्बिनेशन होता है उसे प्रदोष बोलते हैं। तो प्रदोष का व्रत कर ले और उस दिन प्रदोष के दिन शिव जी का रुद्र अभिषेक करा लो, तो ये राहु जो थोड़ा सा कष्ट देगा उससे अपनों को निजात प्राप्त हो सकती है। कालसर्प दोष की शांति के लिए वर्ष में एक बार उज्जैन में कालसर्प दोष की शांति करा लेना चाहिए, या फिर नासिक में जाके करा लेना चाहिए, ताकि जो सांप है, यानी सांप का मुंह और सांप की पूंछ, वो आपको कष्ट प्रदान नहीं करेगी। कालसर्प दोष का मतलब होता है सीधी सीधी बात में नाग दोष। तो नाग जो है शिव जी के गले में रहते हैं, तो शिव जी की पूजा करने पर भी फायदा हो सकता है, या फिर नव नाग स्त्रोत है तो उस नव नाग स्त्रोत का पाठ करवा लें, या खुद भी मंत्र बोल करके उसको याद कर लें और रोजाना एक माला जप करें, जिससे भाग्य में वृद्धि हो सकती है। ओम अनंतम वासुकीम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालाय च कर्कोटकम तक्षकम च कालियम, ये नव नाग स्त्रोत है, इस स्त्रोत का भी रोजाना एक माला यानी 108 बार जप कर ले, उनके नाम से स्पेशल घी का दीपक लगा के, तो कालसर्प दोष की भी काफी कुछ हद तक शांति होने की संभावना बन जाएगी। वृष लग्न की पत्रिका में केतु पंचम भाव में कन्या राशि का बैठा हुआ है, यह सांप की पूंछ है बेसिकली, तो इसको ज्यादा घातक नहीं होती है, सांप का मुंह ज्यादा घातक होता है। यह धर्म ध्वजा का प्रतीक है, इसलिए केतु जिस भाव में बैठा है उस भाव की भूख इस मनुष्य को जिंदगी भर रहेगी, कभी इसकी भूख शांत नहीं होगी, यानी उस चीज के लिए तड़पता रहेगा। यह केतु बोलता है, केतु कहता है कि मेरा एक व्यक्ति होता है, मान लो एक किसी को बकरे का बलि है, यदि बकरे को हम काट देते हैं तो मुंडी अलग हो जाती है, परंतु उसका शरीर तड़पता रहता है, उसका सिर तड़पता नहीं है, परंतु उसका शरीर तड़पता है जब बलि दी जाती है। इसी प्रकार से केतु उस राक्षस का धड़ है और जो सिर है उसे राहु बोला जाता है। अब चूंकि धड़ है राहु,
तो वो तड़पाने का काम करता है। तो यहाँ पे केतु जो बैठा हुआ है ये तड़पाने का काम करेगा। और केतु कहाँ बैठा हुआ है? पंचम स्थान में बैठा हुआ, बच्चे वाले स्थान पे बैठा हुआ है, विद्या वाले स्थान पे बैठा हुआ है। तो बच्चे के लिए तड़पाएगा, यानी बच्चा नहीं दूंगा या दूंगा तो बहुत देरी से दूंगा, बहुत पूजा पाठ कराऊंगा तब जाके दूंगा, केतु ऐसा बोलता है। तो यहाँ पे बच्चे के लिए तड़पन अवश्य रहेगी पूरी जिंदगी भर, और हो सकता है कि देरी से बच्चा पैदा हो समय आने पर, क्योंकि शनि भी देरी से बच्चा दे रहा है और केतु भी देरी से बच्चा दे रहा है, तो पूजा पाठ कराने पर हो सकता है बच्चा उत्पन्न हो जाए, लड़का उत्पन्न होने की संभावनाएं यहाँ पे जताई जा रही है। वृष लग्न में केतु शुक्र से शत्रु भाव रखता है, केतु यहाँ पे बहुत हर्षित स्थान पे बैठा हुआ है, तो इस मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने की भी भूख उत्पन्न होगी एक समय के पश्चात। संतान अधिक होने की संभावना है केतु की वजह से, मनुष्य खुद अकेला भाई नहीं होगा, यानी एक और भाई अवश्य होगा, और मामा भी इस मनुष्य के दो तीन होने की संभावना इस पत्रिका से कही जा सकती है। केतु की दशा जहां पे बताई जा रही कि वो शुभ फल देगी, सूर्य की उपासना करने से, ये विशेष चीज है कि यदि मनुष्य सूर्य की उपासना करे, सूर्य से संबंधित कोई अनुष्ठान कराए, तो एक पुत्र होने की संभावना यहां पे बताई जा सकती है। और केतु के साथ यदि शुक्र बैठा हुआ है तो अपने पुरुषार्थ करने पर सफलता अवश्य प्राप्त होगी, और केतु के साथ यहां पर बुध भी बैठा हुआ है तो ये इनने कभी कल्पना नहीं की, कभी सोचा नहीं उतना धन प्राप्त होगा, मतलब महाधनी जिसको बोलना चाहिए। केतु भी धन दिलवा रहा है, बुध भी धन दिलवा रहा है, राहु भी धन दिलवा रहा है, शनि भी धन दिलवा रहा है, यानी पिछले जन्म में कहीं न कहीं पे लक्ष्मी से संबंधित कर्म अवश्य करके आए हैं, जल से संबंधित पुण्य कर्म करके आए, क्योंकि चंद्रमा भी धन दे रहा है, तो चंद्रमा लक्ष्मी का भाई है और सभी धन दे रहे हैं, यानी कि कहीं न कहीं पे जल और लक्ष्मी से संबंधित कर्म करके आया है, पुण्य के काम किए हैं, इसलिए इस जन्म में धन की कमी नहीं होगी। जितना पुण्य के काम में खर्च करेगा उतना धन और बढ़ता जाएगा। कन्या संतान अधिक होगी या प्रथम कन्या होने की संभावना है, तो लड़के की संभावना सब जगह जताई जा सकती है कि लड़का हो सकता है प्रयास करने पर, परंतु पहले दवाई खाना पड़ेगी, पूजा पाठ भी करना पड़ेंगे, और फिर शुभ ग्रहों का कॉम्बिनेशन देख करके गर्भ में व्यवस्था की जा सकती है। जय माता जी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। अरे इसमें आधा लिखा हुआ है, आधा मैंने अपने ज्ञान से बोला, और कुछ मैंने इसमें जैसे जगह जगह बहुत विशेष चीज होती है, हम किताब को अपनी तरफ से बनाते हैं, जैसे ये हमने बनाई है, ये पन्ने इसमें जोड़ दिए, जैसे मतलब आपने सीधा वो वर्ड पकड़ा, वर्ड को आपने एक्सप्लेन कर दिया, बस बस। मतलब मेरी हर किताब में आपको कहीं न कहीं गोदागादी मिलेगी, अनुभव तभी आएगा जब वो गोदागादी करके फिर एक दूसरे से कॉम्बिनेशन किया, फिर एक दूसरे से मिलाया। अरे समुद्र है, समुद्र है, अथाह समुद्र। मैंने कहा ना समुद्र है यार, इसको कैसे जानोगे? आपको जितना अंदर जाओगे आप उतने से नई नई चीज निकालोगे, ये वो है। चलो ये मैं आपको भेज देता हूँ ना।